अच्छा, और उसके बाद हम बात करते हैं सेफलोस्पोरिंस की। उसकी पहले पहले क्लासिफिकेशन वही अहम है बहुत, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में हम ये क्लासिफाई करते हैं, फोर्थ फोर, ठीक है। और हाँ, इनके नाम भी बहुत मुश्किल हैं लेकिन याद करने, और इसका कोई निमोनिक भी खास नहीं है लेकिन एक तरीका है, उससे आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, पहले फार्माकोकाइनेटिक्स की बात कर लेते हैं, एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई इतना अहम नहीं है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेजिस्टेंस बहुत अहम है, वहीं पेंसिलिन वाले हैं तकरीबन, ठीक है, लेकिन हैं बहुत अहम ये दोनों, याद रखना अच्छे तरीके से, यू क्यू है। अच्छा, उसके बाद क्लिनिकल यूजेस, क्लिनिकल यूजेस का तो निमोनिक है हमारे पास, लेकिन इनके जो ड्रग के नाम याद करने हैं वो मैं तरीका बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन जो होगी ना, उसमें ये याद रखना कि ये सेफा है, ठीक है, सेफा, बस ये याद रखना, फर्स्ट जनरेशन वाले ना सेफा है, CEFACEPHA जो भी। अब एक है सेफा जोलिन और एक है सेफा लेक्सिन, ठीक है, जोलिन और लेक्सिन। जोलिन को हम पैरेंटल रूट से देंगे और लेक्सिन को ओरल रूट से, ये याद रखना। बाकी इसका जो निमोनिक है वो ग्राम पॉजिटिव और फिर पैक पैक PEK है, ठीक है, वो आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। फिर सेकंड जनरेशन, सेकंड जनरेशन में याद रखना ये जो भी होंगे ना, ये सेफ वाले होंगे हमारे पास, सेफ, फर्स्ट जनरेशन वाले सेफा और सेकंड जनरेशन वाले सेफ। अब सेफ के आगे तीन ग्रुप्स हैं, ठीक है। सेफ पहला ग्रुप है ए वाला, दो ड्रग्स हैं उसमें, सेफ एक्लोर और सेफ अमेंडोल। दूसरा ग्रुप है हमारे पास ओ वाला, उसमें भी दो ग्रुप हैं, सेफोटिटैन और सेफ ऑक्सीटिन, ठीक है। तीसरा ग्रुप है यू वाला, और उसमें एक ही ड्रग है, सेफ यूरोक्सिन, ठीक है। और पता तो है आपको, जब कोई मोबाइल लॉन्च होता है फिर उसका एक मतलब प्रो मॉडल भी, जैसे अब वीवो V19, ठीक है, उसका फिर प्रो मॉडल आता है, ठीक है, V19 Pro, ठीक है। इसी तरह अब ये जब हमारे पास पांच ड्रग्स हो जाएंगी, उसके बाद एक प्रो ड्रग आएगी हमारे पास, ठीक है, वो होगी सेफ प्रोजिल, ठीक है। ये सेकेंड जनरेशन की ड्रग्स याद हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन आएगी हमारे पास। थर्ड जनरेशन में सबसे गंदी यही जनरेशन है, और ये यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है यहाँ की, फोर ड्रग्स ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ सेफलोस्पोरिन, ये आपका यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें दो ड्रग्स हैं सेफो वाले, यानी कि सेफोपिराजोन और सेफोटेक्सिम, और तीन ड्रग्स हैं सेफ्ट वाली, ठीक है, सेफ्टेजिडीन, सेफ ट्रायोक्सोन और सेफ्टिजोक्साइम, ठीक है, ये तीन ड्रग्स, ये सेफ्ट वाली, ठीक है, दो ड्रग्स सेफो वाली, तीन ड्रग्स सेफ्ट वाली, और एक और ड्रग है, छोटी सी ड्रग है जो एंड पे आएगी, सिफिक्सिम, ठीक है, जिसको हम ओरल रूट से देते हैं, ठीक है, ये खुद याद करनी है आपने, ठीक है। और फिर उसके बाद फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में सेफीपीम और सेफ्टेरोलिन होगी, टेरोलिन, टेट्रा, ठीक है, फोर्थ जनरेशन, ये यूँ याद रख लेना। तो और इसकी जो क्लिनिकल यूजेज हैं, उसके निमोनिक्स हैं, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। फिर उसके बाद टॉक्सिसिटी आती है, टॉक्सिसिटी बहुत अहम है इसकी, ठीक है, एलर्जी जैसे हमारे पास उसमें है, क्या कहते हैं, पेंसिलिन्स में वैसे ही, और ये पेंसिलिन से क्रॉस एलर्जी नहीं होती इसकी पेंसिलिन से, यानी कि अगर कोई पेशेंट एलर्जिक टू पेंसिलिन है, ठीक है, तो हम उसको सेफलोस्पोरिन लगा सकते हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है। और इसके अलावा आपस में ये सेफलोस्पोरिन की होती है पेंसिलिन, यानी कि अगर एक सेफ्ट्रैक्सोन से अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है तो वो ज़रूरी है कि सेफोपिराजोन से भी होगा, ठीक है। अच्छा, और अदर एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, ये भी चार पांच हैं, इनको भी याद कर लेना, बहुत अच्छे हैं, ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है।